Welcome again in my YouTube channel, and this is Ankit Tiwari. Today we are going to discuss about a topic, respiration of the chapter, first chapter of the biology life process. In the previous section, we have a study about nutrition, nutrient, and what is digestion, and how the absorption, assimilation, and excretion and egestion are take place into the human body. Now we will discuss about respiration. तो पहले ही समझना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सेम फिनोमेना है, पर ऐसा होता नहीं है। रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब सांस को लेना और सांस छोड़ना नहीं होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जब भी कोई हमने देखा है डेफिनेशन पूछा है बच्चों से, सिंपली बोलते हैं इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर इज कंसीडर एज अ रेस्पिरेशन। बट ये गलत कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में। रेस्पिरेशन एक दूसरी फिनोमेना होती है जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ एयर को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग का सीधा सा सेंस होता है इनहेलिंग एंड एक्स हेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। बट रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, कहाँ, इनटू द सेल। सेल के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। कैसे करते हैं, आपको याद होगा तो हमने फूड को डाइजेस्ट किया था, डाइजेशन करने के बाद उसका हमने एब्जॉर्प्शन किया था, एब्जॉर्प्शन करने के बाद एसिमिलेशन यानी फूड को हमने सेल में ले गया था। और हमें याद है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट था वो ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज था, प्रोटीन का अमीनो एसिड था, ठीक है, और फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसको हम यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं सोर्स, इट जस्ट अ व्हाट, इट इज सबस्ट्रेट विच विल यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है जिसको यूज किया जाएगा एनर्जी को प्रोड्यूस कराने में। अब एक फिनोमेना होती है रेस्पिरेशन में जो सभी लिविंग बींग के अंदर कॉमन होती है, ऑल लिविंग बींग के अंदर कॉमन होती है, वो कौन सी फिनोमेना है मैं आपको बताता हूँ। वो होती है साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या है साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, थोड़ा फील करते हैं। फर्स्टली रेस्पिरेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब उसमें जो साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, हम ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से पाइरविक एसिड में बदलते हैं। किसे बदलते हैं, पायरविक एसिड। अब पायरविक एसिड जो होता है वो दो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, सॉरी तीन कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और ग्लूकोज सिक्स कार्बन का मॉलिक्यूल। थोड़ा सा इसके फार्मूले पे ध्यान देते हैं, तो C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ पायरविक एसिड, सॉरी ग्लूकोज। और पायरविक एसिड का फार्मूला होता है CH3C OOH। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दिख रहा है, दिस इज अ पायरविक एसिड, ओके, और ये क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6। तो यहाँ छः कार्बन का एक कंपाउंड है और यहाँ तीन कार्बन कंपाउंड है, तो इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ये सभी लिविंग बींग के अंदर कॉमन होता है, और ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, क्लियर है। तो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनोरोबिक रेस्पिरेशन, से कोई मतलब नहीं है, सभी लिविंग बींग के अंदर ये वाला जो स्टेप होता है वो कॉमन होता है, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं।
अब रेस्पिरेशन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। अब एनर्जी प्रोड्यूस हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेजेंस या एब्सेंस में ये एनर्जी यूटिलाइज करने का जो फिनोमेना होता है उसमें पहला स्टेप यही होता है कि हम ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड में उसको बदलें। समझ में आ रहा है? सिंपली क्या समझना है कि जो हमने सेल में भोजन लिया था, अब उस भोजन को ले लेने की से बहादुरी की बात नहीं है कि उसमें से तुरंत एनर्जी मिल जाएगा, जी नहीं, अब हमको उसका रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा। जब हम रेस्पिरेशन कराएंगे यानी कि सिंपली आप समझिए तो कंबस्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेंगे तो कम एनर्जी निकलती है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो उसमें उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन भी कुछ ऐसा ही फेनोमेना है जो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको हम एनोरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जो पाइरूविक एसिड है एक सबस्ट्रेट है जो कि तीन स्टेप में यूज किया जा सकता है। हम इसको चाहें तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन करा सकते हैं, ठीक है, एनोरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है फर्मेंटेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब कैसे कैसे होता है ये समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके सेल को लगातार क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है, और लगातार एनर्जी की ज़रूरत है तो आपका सेल एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय हमारा जो सेल होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन करता है ताकि एनर्जी की जो ज़रूरत है, जो नीड है, उसको पूरा कर सके। जैसे आप दौड़ते हैं, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस दौरान आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा आपके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके सेल को जितने ऑक्सीजन की सप्लाई की नीड थी, जितनी ज़रूरत थी, उतना आपने उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाया। तो जब जितना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उतना नहीं पहुंचा पाया तो वो क्या करेगा, अब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन शुरू करता है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और मात्र 2 ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं या करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी 3 कार्बन का होता है, जिसमें हमारा जो पाइरूविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है CH3COH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जैसे आपने जलेबी खाया होगा तो जलेबी का जो डफ बनता है, डोसे का डफ जो बनता है, वो सब क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फील करते हैं, फर्मेंटेशन में हम पाइरूविक एसिड यानी कि CH3C OH एज ए सबस्ट्रेट लेते हैं और उसको जाइमेज एंजाइम, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ENZYM, जो कौन निकालता है, ईस्ट निकालता है, ईस्ट जो है जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है C2H5OH, यानी कि C2H5OH मतलब इथाइल एल्कोहल जो कि हम नॉर्मली एल्कोहल जो पीते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में 2 ATP निकालता है, समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्मेंटेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ हम एरोबिक के बारे में बता दे रहे हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है C6H12 है ना, O6 जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, 6CO2 बनाता है और 6H2O बनाता है, रिएक्शन को बैलेंस कर, बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। तो इसमें 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एक ग्लू, यानी कि कंप्लीट कंबस्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब उस ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्शन, 100% वो ब्रेक हो जाता है, तो 6 CO2 निकालता है, 6 H2O निकालता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकालता है।
अब इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। या कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि एक किसान है, वो पहले गेहूँ पैदा करता है तो उससे क्या करता है, पहले उसको बेचता है और बेच करके अपने पास करेंसी रखता है, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो उस करेंसी को यूज करता है किसी सामान को खरीदने के लिए। उसी तरह से हमारा जो शरीर होता है वो भी क्या करता है, किसी भी टाइम एनर्जी का यूटिलाइज करने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। आपको बता दें, ऑन एवरेज एक एटीपी बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा जो सेल होता है, उसमें एक जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 एटीपी बन पाता है। अब एक बच्चे ने कहा, सर 38 को अगर 7.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 3×7=56, यानी कि लगभग 370 के आसपास, 370 किलो कैलोरी एनर्जी के आसपास यूटिलाइज होगी, बाकी एनर्जी कहाँ गई? तो कहते हैं बेटा, बाकी एनर्जी जो है वो रेस्पिरेटरी लॉस में चला जाता है, है ना, रेस्पिरेटरी लॉस में चला जाता है। लगभग 60% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और 40% या 45% एनर्जी ही क्या हो पाती है, यूटिलाइज हो पाती है। तो जो एनर्जी निकलती है, 673 किलो कैलोरी जो एनर्जी निकली, अब उस एनर्जी को हम करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और एक एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो 7.3 किलो कैलोरी होती है, या फिर अगर कैलोरी को जूल में बदलें तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 7.3 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 30.5 के आसपास आएगा, 30.5 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें एक एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिस्पिरेशन क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो रिस्पिरेशन एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सेल के अंदर एनर्जी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं। अब वो एनर्जी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तब वो एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है, और चूंकि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो कंप्लीट कंबस्टन होगा, और अगर कंप्लीट कंबस्टन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है ना। लेकिन अगर कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का सफिशियंट सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो बहुत कम एटीपी बनाता है, जैसे 2 एटीपी एनरोबिक में बनाया, और फर्मेंटेशन, एनरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो हमारे मसल के अंदर देखा जाता है, है ना, मसल के अंदर देखा जाता है, और हमारी मसल में जो पेन क्रिएट करता है, जो मसल फैटी हो जाती है, उसके पीछे रीज़न यही है कि जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे जो स्किन के पोर होते हैं उसमें जाके ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, है ना, और जब ये लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तब वहाँ क्या होता है, हमें एक स्पेशल तरह का केमिकल बनता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, और उसके चलते हमारे पैर में दर्द होने लगता है। तो कहते हैं, मम्मी थोड़ा पैर दबा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन ये है, फर्मेंटेशन ये है, और एरोबिक रिस्पिरेशन ये है। ब्रीदिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रीदिंग अलग फिनोमेना है, रिस्पिरेशन अलग फिनोमेना है। ठीक है, तो ब्रीदिंग, रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने भोजन को एसिमुलेट किया था वही भोजन यूज होता है, और सभी रिस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस कॉमन होता है, ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में बदलने वाला प्रोसेस क्या होता है, सभी में कॉमन होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन, और ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एक ग्लूकोज में से 2 पाइरूविक एसिड बनती है, और उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और कॉमन इनटू द ऑल टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए कुछ ब्रीदिंग ऑर्गन है, ब्रीदिंग ऑर्गन एक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है, और इसी से हम क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। फ्रॉग में थोड़ी कहानी है, फ्रॉग रेनी सीजन, यानी कि जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है तब वो लंग्स से सांस लेता है। ठीक है, उसका जो टंग होता है उसमें किसी भी तरह की टेस्ट बड नहीं पाई जाती है, उसका जो जीभ होता है रामपुरिया चाकू की तरह होता है, फड़ाक से खुलता है और फिर बाहर से जो भी कुछ होगा सल्फर को छोड़ के वो किसी भी चीज़ को खा लेता है। ठीक है, फिर अगर वो टैडपोल होता है, यानी जब वो पानी में रहता है तो गिल से सांस लेता है, और जब वो इनएक्टिव कंडीशन, यानी कि 4 महीने फ्रॉग खाता है और 8 महीने इनएक्टिव रहता है, तो जब वो समर में इनएक्टिव होता है तो उस प्रोसेस को एस्टिवेशन, और विंटर में इनएक्टिव होता है तो उस कंडीशन को हाइबरनेशन कहते हैं, और उस समय वो स्किन से सांस लेता है। ठीक है, कॉकरोच जो होता है वो स्पैरिकल से गैसेस एक्सचेंज करता है, अर्थवॉर्म स्किन से गैसेस एक्सचेंज करता है,
अमीबा और हाइड्रा बॉडी सरफेस से करते हैं, फिश गिल से करता है, और प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा और लेंटी सेल से गैसेस एक्सचेंज करता है। तो ये पूरा फिनोमेना होगा गैसेस एक्सचेंज का। अब ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना, कैसे कैसे जो है उनके अंदर गैस जो है हमारे नॉस्ट्रिल से, यानी कि जो नेजल जो ओपनिंग है वहाँ से, जो हमारा नॉस्ट्रिल है दैट इज़ द नेजल ओपनिंग, वहाँ से कैसे हमारे लंग्स के टर्नल एंड यानी कि एल्वियोलाई तक पहुँचता है, तो अब हम उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए जो पाथ होता है हमारे, तो ये मेरा रेस्पिरेटरी पाथ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हमारा नेजल ओपनिंग होता है हम उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, उसके बाद जो नेजल चैम्बर होता है, जो नाक का जो चैम्बर होता है उसे नेजल चैम्बर कहते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा सर हमारी नाक कितनी लंबी क्यों होती है, तो हमारी नाक लंबी होने के पीछे ये रीज़न है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम या ज़्यादा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। कोई भी मैटर हमारे बॉडी में आते आते हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा तभी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। इसलिए नाक जो है हमारा होता है लंबा होता है, उसके चारों तरफ बहुत फाइन फाइन कैपिलरीज होती हैं जो कि उस एयर आने वाले एयर को पहले तो साफ़ करती है, जो नेजल ओपनिंग होता है उसमें हेयर पाए जाते हैं जो फिल्टर का तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद जो फाइन फाइन जो आप कैपिलरीज देख रहे हैं वो क्या करते हैं, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ताकि वो हमारे लंग्स तक पहुँचते पहुँचते बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। फिर नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स इज कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो होता है वो फूड एंड एयर के लिए कॉमन पाथ होता है। आपको तो बता दें जैसे मान लीजिए ये जो पाथ देख रहे हैं ये ऐसे आता है, ठीक है, और यहाँ से एक हिस्सा जो है वो फूड को पाइप को चला जाता है, ठीक है, और ये जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे लंग्स को चला जाता है। समझ रहे कि नहीं, जो फूड पाइप को चला जाता है उसको हम आपने बताया था इट इज ओसो फेगस, ठीक है। अब यहाँ पाया जाता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, ठीक है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, और यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है एपिग्लॉटिस, और ये जो एपिग्लॉटिस है इट वर्क एज ए ट्रैफिक पुलिस। कैसी काम करती है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। कैसे ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है, जब भोजन आता है तब ये वाला जो ट्रैक है वो बंद हो जाता है, ठीक है, यानी एपिग्लॉटिस जो है ऐसे जो है फ्लैप की तरह होती है, एक उसके ऊपर आके ऐसे बंद हो जाती है और फिर दूसरी तरफ से भोजन चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो अब ये जो ओसोफेगस है उसमें तो फूड जाता नहीं है, सांस हम हमेशा लेते हैं लेकिन खाना कभी कभी खाते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाती है और उस तरह से हमारा जो भोजन है वो ट्राइकिया में चला जाता है, सॉरी हमारा जो एयर है वो ट्राइकिया में चला जाता है, ट्राइकिया से ट्राइक्यूल, और ट्राइक्यूल से जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रैंक्यूल, और फिर एल्वियोलाई। यही हमारा ट्रू लंग होता है, ट्रू लंग यही है क्योंकि यही हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमारा गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, ट्रू लंग्स जो है एल्वियोलाई से होता है। इट्स अ वेरी वेस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और आपको बता दें हमारा जो लंग्स होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो टेनिस के कोर्ट के बराबर होता है। आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा, जो टेनिस का कोर्ट यानी टेनिस का जो फील्ड होता है उसके बराबर लंग्स का वॉल्यूम होता है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जो हमारे एल्वियोलाई होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वहाँ एक केमिकल पाया जाता है सर्फेक्टिन, जो सर्फेस एरिया बढ़ाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारे ब्लड से हो पाता है, ठीक है। तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ये अभी यहाँ हमने बताया कि जो एपिग्लॉटिस है इट्स वर्क एट ट्रैफिक पुलिस। अब आपको बचपन में या आप अभी भी सुनते होंगे कि बेटा खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलते हो तो आपका फूड पाइप और एयर वाली पाइप दोनों ओपन हो जाएगी, और इस तरह से जो गलती से अगर भोजन एयर वाले ट्रैक में जाएगा तो यहाँ उसको रुकावट महसूस होगा, रुकावट महसूस होगा तो उसको दूर करने के लिए आपको कफिंग होती है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये फूड ब्रेन में चला गया तो फिर उसके बाद आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो नॉस्ट्रिल हमारा जो ये सब पूरा है ट्रैक है रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग ट्रैक है बेसिकली ये, तो नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, याद रखना है, सॉरी फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ ऑफ फूड एंड एयर, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्राइकिया, ट्राइकिया के बाद ट्राइक्यूल, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रैंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई ट्रू लंग्स होता है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। बाकी इस वाले पूरे वाले हिस्से को हम लोग फॉल्स लंग यानी कि सिर्फ ट्रैक कहते हैं, है ना, इट्स जस्ट अ रेस्पिरेटरी ट्रैक।
टू लंग्स एल्वियोलाई होता है। हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और HbO2 बनाता है, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये कैसे बनाता है आपको बता दें, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और जो हमारा जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से यह ऑक्सीजन कहाँ हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक रिक्शा वाला होता है, उस रिक्शे वाले पे ऑक्सीजन बैठ जाता है और बैठ करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बैठ करके वो सेल को जाता है और उस सेल में ये ऑक्सीजन जब पहुँचता है तो ये फूड को ले करके ऑक्सीजन इसको यूज करता है और यूज करके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन बोलते हैं रेस्पिरेशन का, द प्रोसेस इन विच वी विल प्रोड्यूस एनर्जी आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस फेनोमेना इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, रेस्पिरेशन हियर। तो हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और कैसे ये हीमोग्लोबिन हमारे सेल को ले जाता है ऑक्सीजन, क्लियर है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल तक ले जाता है, वहाँ सेल में ये ऑक्सीजन यूज किया जाता है और यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस से हम अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं, क्योंकि लंग्स इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब एक्सक्रीशन होता है, इजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगर ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है तो बनाता है कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। और अगर ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन होता है तो कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जब आप ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आप रूप में कभी धुआं वाला अगर कोई मटेरियल जला दिए हैं तो बड़ी तेज़ी से आपको सफोकेशन होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग्स में जाता है और बड़ी तेज़ी से हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाता है और ड्यू इन सी रीज़न कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है। और सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि ये जो है हीमोग्लोबिन से बड़ी तेज़ी से कंबाइन हो जाता है तो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो पाता है और हमारा हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शरीर में किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो है हमारा हार्ट, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमने सीखा क्या, अपने जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में सीखा और रेस्पिरेशन क्या होता है वो सीखा। अब हम अगले सेक्शन में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत, नए जसों जुनून और नई दिशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।